आज मैं आपके लिए छोटी चुटकी वाले सेवइयों का जरदा लेके आई हूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी इसकी जो रेसिपी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बनाना स्टार्ट करती हूँ। झटपट में तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती, बिल्कुल चावल की तरह अलग अलग तैयार होती है। तो ये जो रेसिपी हम लोग के साथ शेयर करते हैं और रेसिपी शुरू करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आपके घर में शाद और आबाद रखे, आपके खानों में रिज़्क में बरकत अता फरमाए। आज हम लोग चुटकी वाली सेवइयाँ बना रहे हैं, सेवइयों का ज़रदा, जिसमें जो है हमने खुद तैयार की हैं, तीन कलर हमने डाल के तैयार किए हैं। ये हमने ये कलर डाला है और ये येलो कलर डाला है और ये ग्रीन कलर भी नहीं है, ग्रीन और रेड कलर को मिक्स करके हमने कलर बनाया है और ये येलो कलर है और ये जो कलर है ये हमने रेड ग्रीन और येलो में हल्का सा शामिल करके हमने तीन कलर शामिल करके एक कलर बनाया। ये बहुत ही अच्छा इनका कलर आ गया, लुक बहुत अच्छी है। तो अब हम इन सेवइयों की तैयारी करते हैं, इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने देगची में ऑयल शामिल कर दिया, ऑयल को हम चूल्हे के ऊपर रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कर दिए। सेवइयाँ जो है हमारी भुन चुके हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसमें और पानी शामिल कर लेंगे और अब हम इसमें शुगर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अच्छे से हम इनको कर देंगे मिक्स। हल्के हाथों से हम इनको करना है मिक्स। तो पहले बोलना था हम इसमें और पानी शामिल कर लेंगे और अब हम इसमें शुगर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अच्छे से हम इनको कर देंगे मिक्स। हल्के हाथों से हम इनको करना है मिक्स। तो पहले बोलना था हमारी सेवइयों को जो है बॉयल आना शुरू हो गया है। क्या
सवैयाँ जो है हमारी नाम पर आ चुकी हैं, अब हम इस पर नाम लगा देंगे और देखिए कैसे अलग अलग है। एक दफ़ा अब हम इसमें चम्मच हम खड़ा कर देंगे, ऊपर ढक्कन लगा देंगे, एक दफ़ा हम चम्मच चला कर फिर इसका प्रॉपर जो है वो नाम लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर प्रॉपर नाम लगाने लगे हैं, ये देखिए बिल्कुल पानी जो है वो ख़त्म है, सवैयाँ ही हैं। अब हम इसके ऊपर नाम लगा देंगे, 5 मिनट के बाद जो हमारी सवैयाँ हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। सिर्फ 5 मिनट का टाइम लेती हैं, 5 मिनट के बाद हम नाम उठाएँगे। आँच जो हम इस तरह से स्लो कर देंगे, इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जनाब सवैयाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं, कितना प्यारा इनका कलर आया है, नम हमने उठा लिया है। अब हम दोबारा ढक्कन ऊपर रख देंगे और चूल्हा कर देंगे बंद। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसकी सर्विंग करेंगे। अब हम इसकी सर्विंग कर लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनाब हमारी बहुत टेस्टी और यमी जो सवैयाँ हैं तैयार हो चुकी हैं। चुटकी वाली सवैयाँ हमने खुद तैयार की हैं। इन सवैयाँ की जो रेसिपी है जो हमने बनाई थी मैदर सूजी को मिक्स करके, वो भी हमने अपलोड कर दिया है। आप मेरे चैनल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। ये बहुत टेस्टी सवैयाँ तैयार हुई हैं। आप इस पर इस तरह की सवैयाँ ज़रूर बनाइएगा। जब मेहमान आए तो इस तरह की सवैयाँ झटपट में तैयार हो जाती हैं। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।